हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर टॉप 10 में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं प्रकृति के बीच स्थित सोनभद्र के प्राचीन मंदिरों के बारे में। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। यूपी के सोनभद्र जनपद में कई ऐसे मंदिर स्थित हैं जिनके बारे में पौराणिक कथाओं में भी जानकारी मिलती है। इन मंदिरों पर नवरात्र तथा शिवरात्रि के मौके पर दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। सोनभद्र जिला देश के 4 राज्यों की सीमाओं से सटा हुआ है, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ शामिल है। साल 1989 में 4 नवंबर को सोनभद्र को मिर्जापुर जिले से अलग कर दिया गया था। वर्तमान में यह जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा जिला है। यहाँ बहुत से पुराने धार्मिक स्थल भी मौजूद हैं, जिनका हिंदू धर्म में बहुत ही अत्यधिक मान्यता है। तो आइए जानते हैं सोनभद्र के ऐसे ही धार्मिक स्थलों के बारे में। नंबर 1, वैष्णो देवी मंदिर डाला सोनभद्र। सोनभद्र धार्मिक स्थलों की दृष्टि से यूपी के कुछ सबसे ज्यादा धार्मिक जनपदों में से एक है। यहाँ कश्मीर की तरह वैष्णो देवी माता की तर्ज पर एक मानव निर्मित वैष्णो देवी मंदिर है, जहाँ दर्शन के लिए बड़े बड़े संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ भी माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए आपको कश्मीर की वैष्णो देवी मंदिर की तरह गुफा में होकर गुजरना पड़ता है। प्रकृति की सुंदरता के बीच डाला वैष्णो देवी मंदिर सोनभद्र के प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है। नंबर 2, रेणुकेश्वर महादेव मंदिर रेणुकूट सोनभद्र। सोनभद्र के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों में से एक रेणुकेश्वर महादेव मंदिर जनपद के रेणुकूट में स्थित है। इस मंदिर का इतिहास काफी प्राचीन है। बता दें कि वर्ष 1972 में बिरला ग्रुप द्वारा भगवान भोलेनाथ को समर्पित रेणुकूट के इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। यहाँ पे भारी संख्या में भोलेनाथ के भक्त उनका दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। नंबर 3, ज्वालामुखी शक्तिपीठ का मंदिर। दुनिया के 51 शक्तिपीठों में से एक ज्वालामुखी शक्तिपीठ का मंदिर यूपी के सोनभद्र जिले में शक्ति नगर इलाके में स्थित है, जो कि रॉबर्ट्सगंज से लगभग 119 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में नवरात्र के वक्त भक्तों की भारी संख्या में भीड़ देखने को मिलती है। इस मंदिर में देवी सती की जीव की पूजा की जाती है, जिसके लिए देश के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। नंबर 4, शिव द्वार मंदिर घुरावल। सोनभद्र के शिव द्वार मंदिर की बहुत अधिक मान्यता है। इस मंदिर में 11वीं सदी के एक पत्थर से निर्मित देवी पार्वती की मूर्ति रखी हुई है, जिसकी ऊंचाई करीब 3 फुट है। इसे देखने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। इस मंदिर में श्रद्धालुओं का सबसे भारी भीड़ शिवरात्रि के मौके पर देखने को मिलता है। घुरावल से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस मंदिर में सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान लोग जल चढ़ाने भी आते हैं। नंबर 5, शीतला माता मंदिर सोनभद्र। सोनभद्र के शीतला माता का मंदिर देश भर में विख्यात है। यहाँ नवरात्र के वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में से श्रद्धालु शीतला माता जी का दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। रॉबर्ट्सगंज बाजार में स्थित इस मंदिर में हर रोज श्रद्धालुओं का भीड़ लगा रहता है। नंबर 6, पंचमुखी महादेव मंदिर। रॉबर्ट्सगंज चुर्क रोड पर स्थित पंचमुखी महादेव मंदिर के बारे में पौराणिक कथाओं में भी काफी कुछ जानकारी मिलती है। बताया जाता है कि करीब 5वीं शताब्दी में यहां पंचमुखी महादेव प्रकट हुए थे। तभी से रॉबर्ट्सगंज से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस पंचमुखी महादेव मंदिर में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये रहा यूपी के सोनभद्र जिले में स्थित प्राचीन मंदिरों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।